अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है उसको लगता है कि बड़ा गलत था तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री लोग बिहार से, और हमको लगता है कि प्रत्येक बिहारी को शर्म आ रही होगी आज कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा अश्लील भाषा का प्रयोग करता है असेंबली में, इस तरह घटिया उसका ये बयान होता है, एकदम थर्ड क्लास कटर का जो बयान होता है वो बयान था नीतीश कुमार का। यह परिचायक है, हमको लगता है कि नीतीश कुमार दिमाग से ये लूज हो चुके हैं। लोग बताते रहते हैं कि वो अपने सहयोगियों का नाम भूल जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं कि वो गृह विभाग के प्रभार में वही हैं, ये सब भूल जाते हैं। उनका लगता है कि दिमाग फैल गया, नहीं तो ऐसी भाषा, इतनी अपमानजनक भाषा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जवान युवक युवतियों के लिए, इतना घृणित स्तर का ये भाषा है कि हम क्या कहें। बिहारी होने के नाते तो हमको शर्म आती है कि हमारे प्रांत का मुख्यमंत्री ऐसा गिरा हुआ हो, अश्लील विचार का, अश्लील सोच का, अश्लील भाषा का। साहब इनको तो तुरंत हमको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, या क्या इनको समझ लेना चाहिए कि भाई मेरा दिमाग फेल कर गया, मुझे बातें याद नहीं रहती है, मैं उलझल उल बोल देता हूँ। ये लेकिन समझेंगे नहीं, सत्ता ये छोड़ेंगे नहीं। इनको हमको लगता है कि क्या हो, बिहार की नियति क्या है, हम लोगों को, हम बिहारी हैं, जो सभी बिहारियों को सोचना होगा, पढ़े लिखे बिहारियों को सोचना होगा।